और अब खबर सांगली से, जहां डॉक्टर स्नेहल संजीव तोडकर ने डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल मेडिसिन के एग्जाम में महाराष्ट्र राज्य में प्रथम क्रमांक हासिल किया है। उनके पिता संजीव तोडकर का प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार है तो मां सुरेखा तोडकर गृहिणी। होनहार बेटी की सफलता पर उनके माँ बाप सभी उनकी तारीफ कर रहे हैं। सबसे पहले धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। मेरी पहली से बारहवीं तक की पढ़ाई किर्लोस्कर हाई स्कूल किर्लोस्करवाड़ी यहाँ हुई। उसके बाद मेरा MBBS और DPM टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज नायर हॉस्पिटल मुंबई सेंट्रल यहाँ हुई। मेरी यहाँ तक की जर्नी के लिए मुझे स्कूल के सारे टीचर्स से लेकर DPM तक सारे टीचर्स का सपोर्ट और गाइडेंस मिला। उनके वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और घर से मुझे मेरे दादाजी शंकर राव तोड़कर और दादी शांताबाई तोड़कर, उनके साथ ही मेरी आंटी मेरी बुआ वो कुछ डॉक्टर हैं, डॉक्टर सरोजनी बोल दे और मामा जी अशोक बोल दे, इनका अच्छे से गाइडेंस मिला। उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मेरे माता पिता मेरे साथ हमेशा थे, उनके आशीर्वाद से ही ये मुमकिन हुआ है। मैंने साइकेट्री इसलिए चुना कि साइकेट्री में इंडिया में साइकेट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिया में ज़्यादा साइकेट्री के रिलेटेड सोशल स्टिग्मा, डर और अंधविश्वास है, वो मिटाना, वो कम करना ज़रूरी लगता है। साइकेट्री के अंडर व्यसन मुक्ति, स्किजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, याददाश्त कमज़ोर होना, ये सारी बीमारियाँ आती है। यहाँ से चाइल्ड साइकेट्री में जैसे हमने देखा तारे ज़मीन पर, ये मूवी देखा, वो बच्चे को जो लर्निंग डिसेबिलिटी हुआ था ये भी चाइल्ड साइकेट्री के अंडर आता है। तो मुझे ये यहाँ पे बताना ज़रूरी लगता है कि ये सारी बीमारियाँ ठीक होती है और इसके लिए ट्रीटमेंट दवाइयाँ है, तो हमें बिना हिचकिचाए डॉक्टर की मदद लेनी ज़रूरी है और इंडिया में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।